नमस्ते। गर्मियाँ शुरू हो चुकी है और मौसम आ गया है फिर से आइसक्रीम और कुल्फ़ी का, तो आज मैं बिल्कुल नए टेस्ट की एक कुल्फ़ी बनाने जा रही हूँ। आज मैंने ठंडाई के साथ में पान का फ्लेवर ऐड किया है। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही टेस्टी कुल्फ़ी बनके तैयार हुई है। सबको, बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ठंडाई की तैयारी कर लेते हैं। मैंने लिए हैं 15 से 20 बादाम, इसके साथ ही 10-15 लिए हैं काजू, थोड़े पिस्ता लिए हैं, एक बड़ा चम्मच खरबूजे की जो बीज होते हैं मेलन सीड्स वो लिए हैं, एक चम्मच खसखस, एक चम्मच सौंफ, 10-12 हमने लिए साबुत काली मिर्च, थोड़ी ली है हमने केसर लीव्स, और साथ ही हमने ली है रोज़ की पेटल्स। आप फ्रेश भी ले सकते हैं और ड्राई भी ले सकते हैं। इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम एक कप जो है गुनगुना पानी लेंगे और गुनगुने पानी में इनको 4 घंटे के लिए भिगोकर छोड़ देंगे, जिससे कि सारे मसाले जो है अच्छे से फूल जाएंगे और बहुत ही अच्छा फ्लेवर देंगे। तो इसको हम 4 घंटे के लिए अलग रख देंगे। अब हम लेंगे 1.5 लीटर फुल क्रीम दूध। इसको मैंने नॉन स्टिक पैन में लिया है। देखिए इसमें थोड़ी मलाई भी है, जो मलाई है इसमें बहुत अच्छी लगती है। अब हम उसको हाई फ्लेम पे लगातार चलाते हुए दूध को गर्म करेंगे। जब दूध ज़्यादा गर्म एकदम उबलने लग जाए तब आप उसको मीडियम फ्लेम पे कर दीजिए, और जो साइड साइड में जो मलाई आती जा रही है इसको हम दूध के अंदर लेते रहेंगे। कुल्फ़ी के अंदर मलाई का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। इसको हमको तब तक पकाना है जब तक ये आधा नहीं रह जाता। देखिए हमारा दूध बहुत अच्छे से गर्म होने लग गया है, उबलने लग गया है। अब हम इसमें डालेंगे 3/4 कप शुगर। शुगर आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। मैंने इसमें 1/4 स्पून जो है इलायची पाउडर डाला है और साथ में कुछ केसर लीव्स भी डाली है। ऐसे तो मैंने केसर लीव्स ठंडाई के मसाले में डाल दी थी, पर दूध के अंदर भी केसर का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। देखिए इस तरह से हम इसको लगातार चलाते रहेंगे और देखिए मलाई जो आ रही है इसको हम बीच बीच में लेते रहेंगे। कुल्फ़ी के अंदर ये बहुत अच्छी लगेगी। ये दूध हमारा देखिए लगातार चला, करीब 30 मिनट में ये हमारा दूध देखिए तैयार हो चुका है। और अब हम गैस ऑफ कर देंगे और दूध को ठंडा होने के लिए रख देंगे। देखिए हमारा दूध ठंडा हो चुका है, रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। दूध बहुत अच्छा थिक हो गया है, इसके अंदर बहुत अच्छी मलाई भी आपको दिखाई दे रही होगी। अब हम क्या करेंगे, एक मिक्सी के जार में हम लेंगे 4 चम्मच दूध। ये 4 चम्मच दूध हमने मिक्सी में डाल लिया है और मैंने लिए हैं 2 पान के पत्ते। इनको मैंने अच्छे से धो लिया है। पान के पत्ते आपको कहीं भी पान की दुकान पर मिल जाएंगे। इनके हमको पीसेस करके और मिक्सी में डाल लेंगे। इस तरह से आप इनके पीसेस कर लीजिए और इनको मिक्सी में डाल लीजिए, क्योंकि हम ठंडाई के साथ में आज पान का फ्लेवर ऐड कर रहे हैं। इनका जो पीछे का पोर्शन है ये काट के फेंक दीजिए और इस तरह से इनको हम मिक्सी में डाल के और पीस लेंगे। देखिए बहुत अच्छा कलर आया है पान का, बहुत बढ़िया हमारा जो ये पान वाला दूध तैयार हो चुका है। 4 घंटे हो चुके हैं। देखिए हमारा जो ठंडाई का मसाला था ये भी तैयार है, सारा पानी अब्सॉर्ब हो चुका है। तो चलिए इसका भी हम एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेते हैं। तो हम मिक्सी में इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बनाएंगे। अगर आपको पेस्ट बनाने में थोड़ा दिक्कत लगे तो आप इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर लीजिए। दूध ऐड करके और आप इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लीजिए। ये देखिए हमारा ठंडाई का मसाला बिल्कुल तैयार है। तो अब हमारे पास में देखिए ठंडाई का मसाला तैयार है और जो हमने पान वाला दूध तैयार किया था वो भी तैयार है, और जो हमने कुल्फ़ी के लिए दूध रड़ा के तैयार किया था वो भी तैयार है। तो चलिए अब हम कुल्फ़ी बनाने के प्रोसेस पे आ जाते हैं। अब हमने जो पान का दूध बनाया था इसको छान लेते हैं दूध के अंदर ही, ताकि अगर कोई पान का पत्ता रह गया होगा तो वो निकल जाएगा। देखिए हमने इसको छान लिया है, हमारा दूध बहुत बढ़िया दिख रहा है। आप नीचे देख सकते हैं येलो और ग्रीन कलर, तो इसके अंदर दूध के अंदर कलर और फ्लेवर दोनों ऐड हो चुके हैं। इसको हम हल्के मिक्स कर लेंगे और इसको अब हम एक मिक्सी के जार में ले लेंगे। मिक्सी के जार में लेने के बाद में हम इसमें जो ठंडाई का मसाला हमने तैयार किया है वो भी ऐड करेंगे। हम इसको मिक्सी में इसलिए कर रहे हैं ताकि ये बहुत अच्छे से आपस में मिक्स हो जाए और एकदम थिक कंसिस्टेंसी हो जाएगी इसकी। देखिए हमने जो है ठंडाई का मसाला इस दूध में ऐड कर लिया है और हम मिक्सी में इसको ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से।
ये देखिए हमारा जो है कुल्फ़ी का मिक्सचर तैयार हो चुका है। ये देखिए बहुत अच्छी, बहुत थिक कंसिस्टेंसी इसकी बन गई है। तो चलिए अब हम इसको मोल्ड्स में डालते हैं। आज हम दो तरह से बनाएंगे, एक हम कुल्फ़ी के मोल्ड्स में डालेंगे और एक हम टिन के जो है एक कंटेनर में डालेंगे। अगर किसी के पास मोल्ड नहीं है तो आप वैसे टिन के कंटेनर में भी इसको जमा सकते हैं। तो पहले हम इस तरह के कुल्फ़ी मोल्ड्स में इसको डालेंगे। देखिए इस तरह से, तो ये कुल्फ़ी की शेप की जो हमारी कुल्फ़ी तैयार होगी। अगर आपके पास में कुल्फ़ी मोल्ड नहीं है तो आप इस तरह से एक टिन का कंटेनर ले लीजिए और उसमें आप ये पूरा इस तरह से मिक्सचर डाल दीजिए और इसको बिल्कुल टाइट जो है एक ढक्कन से कोई भी ढककर रखिए ताकि इसके अंदर आइस ना आए। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप बिल्कुल इसके ऊपर जो फिट हो उस तरह का ढक्कन लीजिए ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी आइस नहीं जमे। और जो हमने ये मोल्ड में डाला है इस पर भी हम इसके स्टिक्स लगा देते हैं। मेरे पास बहुत ही कलरफुल स्टिक्स हैं तो मैं इस तरह से ये देखिए लगा दिया। और हम इनको 8 घंटे के लिए फ्रीज़र में फ्रीज़ होने के लिए रख देंगे। 8 घंटे तक आप इसको बिल्कुल भी टच मत कीजिए। देखिए 8 घंटे बाद में मैंने ये निकाल लिए हैं। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से जम चुके हैं, बिल्कुल टाइट है ये। तो हम इसको पानी के अंदर रखेंगे ताकि आसानी से कुल्फ़ी हमारी जो है निकल कर बाहर आ जाएगी। देखिए इसको एक बार हम इस तरह से हिलाएंगे और ये देखिए बहुत ही बढ़िया हमारी जो है ठंडाई पान कुल्फ़ी बनकर तैयार है। साथ ही बहुत हेल्दी भी है, इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स भी हैं और गर्मी के मौसम में बहुत अच्छी लगती है। देखिए हमने जो ये टिन में जो जमाई थी वो भी हमारी बहुत अच्छी जम के तैयार हुई है। देखिए इसको हम इस तरह से अपनी मनचाहे शेप में इसकी स्लाइसेस काट सकते हैं। ये देखिए बहुत अच्छी हमारी कुल्फ़ी तैयार है। आप इसको ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके। थैंक यू।